वेलकम टू संभवम आईएएस। माय नेम इज श्वेता चंदवानी और आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम ये जानेंगे डीआरडीओ द्वारा अग्नि 5 मिसाइल पर टेस्ट किया गया स्पेशल क्यों है। ये टेस्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल को इस बार हमारा फोकस MIRV टेक्नोलॉजी को समझने के लिए होगा जो अग्नि 5 के इस टेस्ट को स्पेशल बनाता है। लेट्स अंडरस्टैंड, जो हमारे ट्रेडिशनल मिसाइल सिस्टम है वो एक सिंगल वॉरहेड को कैरी कर सकती थी जो सिंगल टारगेट को ही अप्रोच करता था, बट जो आपकी MIRV टेक्नोलॉजी है ये इसमें एक मिसाइल जो है मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकती है, एक से ज़्यादा वॉरहेड लेके जा सकती है जो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स को अप्रोच करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, प्लस ये सिंगल टारगेट को भी मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी अगर हम इस डायग्रामेटिक फॉर्म में समझें, जो आपकी ट्रेडिशनल मिसाइल्स हैं वो आपका एक सिंगल वॉरहेड लेके जा रही हैं और एक सिंगल टारगेट को ही अप्रोच कर रही हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर रही हैं, बट इन केस ऑफ MIRV टेक्नोलॉजी ये आपका मल्टीपल वॉरहेड्स जो है लेके जा सकता है जो आपका एक डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स को भी अप्रोच कर सकता है, प्लस ये एक सिंगल टारगेट को भी मल्टीपल वॉरहेड्स जो है सिंगल टारगेट को भी अप्रोच करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये स्पेशल बनाता है अग्नि 5 के इस टेस्ट को। अब जान लेते हैं ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे सबसे पहले USA ने बनाया था 1960s में और उसके बाद जो है इसे 1970s में अपने मिलिट्री सिस्टम में, अपने डिफेंस सिस्टम में इसको डिप्लॉय कर लिया था। ओवर द ईयर्स जो ये टेक्नोलॉजी जिन कंट्रीज के पास हैं वो है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना, बट पाकिस्तान भी इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का क्लेम करता है। सबसे पहले पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि 2017 में उसने अपने मिसाइल सिस्टम में MIRV टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है। देन 2023 में भी पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था, लेकिन इंडिया ने रिसेंटली ही MIRV टेक्नोलॉजी को अपने मिसाइल सिस्टम में इंटीग्रेट किया है। अब ये जान लेते हैं कि ये हमने ये पढ़ा कि ये मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी जो है मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकती है। अब ये कितने वॉरहेड लेके जा सकती है उसके बारे में देखते हैं। ये डिपेंड करता है कि मिसाइल का साइज़ कितना है, उसका वेट कितना है और कुछ और पैरामीटर्स हैं उन पे ये डिपेंड करता है। जैसे जो DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल पे जो टेस्ट किया वो मिसाइल जो है चार वॉरहेड से टेस्ट किया था, बट जो और डिफरेंट कंट्रीज ने जो इस पे टेस्ट किए हैं, अपने मिसाइल सिस्टम पे टेस्ट किए हैं, वो मैक्सिमम जो है 15 या उससे ज़्यादा भी वॉरहेड लेके जा सकती है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्टली जो इसका इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि जैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं, तो ये किसी भी कंट्री के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने डिप्लॉय किया है उसको कंफ्यूज कर सकता है, बिकॉज मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टेबिलिटी और उसकी ट्रैकिंग कैपेसिटी को ये फेल भी कर सकता है, उसको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर सकता है। इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, बिकॉज अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें, इंडिया जो है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी फॉलो करता है। अगर इंडिया पर किसी ने अटैक किया, न्यूक्लियर अटैक किया, देन हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो एनिमी के टारगेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, बिकॉज हम फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हमारी नहीं है, हम किसी पर, भारत किसी पर भी न्यूक्लियर वेपन्स पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी कंट्री भारत पर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करती है तो हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इस टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब DRDO ने टेक्नोलॉजी को अग्नि 5 पर यूज़ किया है,
आइए अब हम जान लेते हैं कि अग्नि मिसाइल सिस्टम क्या है। जो हमारी अग्नि फैमिली है ये हमारी शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब शॉर्ट रेंज में क्या है, मैक्सिमम 1000 किलोमीटर्स तक हम शॉर्ट रेंज को मानते हैं, मीडियम रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर तक मानते हैं, एंड इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मोर देन जो है 5500 किलोमीटर्स को इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज माना जाता है। शॉर्ट में लेस देन 1000 टू 3000 मीडियम रेंज, राइट। देन हमने एक वर्ड और पढ़ा कि बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल्स हैं जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज करती हैं। ये सारी मिसाइल सिस्टम जो है इंडिजीनियसली DRDO द्वारा बनाई गई हैं। सबसे पहले ये 1990s में फर्स्ट जनरेशन यानी अग्नि 1 को बनाया गया था और इसे आर्म्ड फोर्सेस में 2000 के दशक में इसे डिप्लॉय कर लिया गया था। जो अग्नि वन से लेके अग्नि 4 तक मिसाइल्स हैं ये आपकी रेंजेस आती हैं 700 से 3500 किलोमीटर तक, जो आपकी सिंगल वॉरहेड को कैरी कर सकती हैं, और इनका जो वजन है 12 से 40 किलो टन्स तक हो सकता है। जो अभी अग्नि 5 को टेस्ट किया गया है MIRV टेक्नोलॉजी के साथ, ये इसकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर है, बट इसका पोटेंशियल है ये 5500 किलोमीटर के आगे भी जा सकती है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज को भी ये टच कर सकती है। प्लस DRDO जो ने है अग्नि पी मिसाइल सीरीज भी बनाई है। अग्नि पी मिसाइल सीरीज जो है अग्नि 1 और अग्नि 2 का ही एडवांस्ड वर्जन है। DRDO अग्नि 6 को भी डेवलप कर रहा है। अग्नि 6 का जो पोटेंशियल है वो आपका 7000 किलोमीटर से भी आगे के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब हमने अग्नि 5 के बारे में पढ़ा जिसे MIRV टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब हम जानते हैं जो हमने पढ़ा उसका यूपीएससी के क्वेश्चंस के साथ क्या रेलेवेंस है। क्या पिछले सालों में इन टॉपिक से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं? यस, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2014 के प्रीलिम्स में अग्नि 4 मिसाइल सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या है। विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर हेड अबव 7500 किलोमीटर्स अवे। नाउ लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। टेक योर टाइम, आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, देन वी विल सी द आंसर। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यस ट्रू, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सेकेंड और थर्ड में देखें कि इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन जस्ट हमने इसके बारे में पढ़ा है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स की रेंज है वो आपकी 5500 के बियॉन्ड जाती है, बट अग्नि 4 जो मिसाइल सिस्टम है वो तो आपका इंटरमीडिएट के अंदर या मीडियम के अंदर ही आता है, तो उसकी जो है इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 7500 किलोमीटर यानी 5500 किलोमीटर के बियॉन्ड जा सके। वो अब अग्नि 6 में उसको 7000 किलोमीटर के बियॉन्ड बनाया जा रहा है। दैट मीन्स आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहीं से गलत हो जाता है। थर्ड बाकी बचा आपका एक, ये लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं है, ओनली लिक्विड प्रोपेलेंट फ्यूल को यूज़ नहीं करता, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अग्नि 4 इज अ 2-stage मिसाइल पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट, ओके लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं है आपका ये। जो इसकी लेंथ है 20 मीटर्स है एंड लॉन्च वेट इज 17 टन्स का इसका रहा है। अग्नि 4 इज एन इंडियन सॉलिड फ्यूल्ड इंटरमीडिएट, हमने बात की ये इंटरमीडिएट है जो लेकिन इसमें दिया गया था कि 75 किलोमीटर के बियॉन्ड, तो ऑप्शन आपका वहीं से ही गलत हो जाता है। बट इसकी रेंज है इंटरमीडिएट रेंज, दैट इज अप टू 4000 किलोमीटर, एंड इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द रोड और मोबाइल लॉन्चर, दोनों से इसे लॉन्च किया जा सकता है। थैंक यू।